एस्ट्रोलॉजी का मैंने आप लोगों को बताया था, एक छोटा सा क्विक रिकैप कर रहा हूँ कि जो ज्योतिष है वो हमारा 12 भावों पे, 9 प्लैनेट्स पे, 12 राशियों पे डिपेंड करता है, झूठा है मतलब कि ठीक है, 12 राशियों पे, 12 भावों पे, 9 ग्रहों पे और 27 नक्षत्रों पे, इसके अलावा कुछ नहीं है ज्योतिष में, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, आज हम कुछ आसान तरीके ज्योतिष में और कुछ यूनिक मेथड्स को सीखेंगे। मैं एक वर्ड यूज करता हूँ बार बार ना, यूनिक। सो यूनिक मीन्स जो तरीका होगा वो भी यूनिक होगा, फर्स्ट जो आप लोगों को बताया जाएगा वो भी यूनिक होगा। ठीक है, हाँ विनोद कुमार जी, आपका म्यूट कर देता हूँ, आपके यहाँ से डिस्टरबेंस आ रहा है। अगर मैं नवग्रहों की बात करूं तो नवग्रहों के नाम हम सबको पता है, संजीव जी, रीटा जी, मनोजा जी, नवग्रहों के नाम पता है हमें। चंद्रिका जी, आपको नवग्रहों के नाम पता है, 9 प्लैनेट से? हाँ जी सर, पता है सर, पता है। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, डेज के हिसाब से हम देखेंगे, सन, मून, मार्स, मर्करी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु और केतु, ये हमारे नवग्रह हो गए। ठीक है, ये हमारे नवग्रह हो गए। अब बात आती है इससे आगे बढ़ने की, तो आज हम 9 प्लैनेट्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कितना पढ़ पाते हैं, कंप्लीट कर पाते हैं, कितना आप समझ पाते हैं, वो तो देखना रहेगा। ठीक है, अगर हम 9 प्लैनेट्स की बात करें तो मैं स्क्रीन दिखाता हूं, चंद्रिका जी एंड वैशाली जी, कोशिश कीजिए कि आपका कैमरा ऑन रहे। स्क्रीन विजिबल हो रही है आपको, बोर्ड, व्हाइट बोर्ड? हाँ जी सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओपन हो रहा है, एक मिनट इसको घुमाते हैं। इससे पहले मुझे एक चीज बताओ, आप सबने होरोस्कोप देखा है कभी, किसी का भी होरोस्कोप देखा है, पत्री देखी है? यस, देखी है आपने पत्री? या माइन पत्री, पत्री कैसी होती है वो मैं एक आपको बना के दिखाता हूँ, सैंपल पत्री। सैंपल पत्री की अगर हम बात करें, एक सैंपल पत्री बनाऊंगा, ठीक है, ठीक है जी। इसमें ऐसे प्लैनेट्स होते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं कुछ, तो ऐसे आपको नंबर्स मिलेंगे, 1 to 12 आपको नंबर मिलेंगे। यस, लाइक प्लैनेट्स डाल देता हूं मैं, जुपिटर, केतु, राहु, मून, वीनस, सन, मार्स, मर्करी, सैटर्न, 9 प्लैनेट्स लिखे होंगे और ये 9 नंबर्स की तरीके से, इसी तरीके से लिखे होंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि भाई ये प्लैनेट्स आपने देख लिए, इसी तरीके से ये लिखे हुए हैं, इसी जन्म पत्री को, इसी होरोस्कोप को, इसी चार्ट को जब आप किसी पंडित जी के पास लेके जाते हैं, तो पंडित जी देख के आपको प्रिडिक्शन देना शुरू करते हैं कि भाई आपके तो पिताजी को दिक्कत होगी, आपके तो माता जी को दिक्कत होगी, आपका बिजनेस नहीं चल रहा होगा, आपके भाई बंधु परेशान होंगे, इस तरीके से ही विल स्टार्ट गिविंग प्रिडिक्शंस। ऐसी आती है ना?
ऐसी प्रेडिक्शंस मिलती है ना इसी टाइप की, कोई भी प्रेडिक्शन, आपकी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, ये साल आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, ये साल आपको लॉस होने वाला है, ये साल आपकी हेल्थ खराब होने वाली है ना, जी तो इस तरीके से प्रिडिक्शंस आपकी आती है, आती है ना। हाँ बिल्कुल। जी, गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ हाँ जी हाँ जी वैशाली जी? हेलो जी सर। हेलो, अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी आ रही है सर। ओके, आ रही है तो सर। वॉइस मेरे पास आनी बंद हो गई थी, पता नहीं क्या हुआ। तो मेरी क्लियर आ रही है ना वॉइस अभी? यस हाँ जी सर। ठीक है। सो ये प्रेडिक्शंस आती हैं। अब आप सारे लोग एक चीज बड़े ध्यान से देखो कि इसमें ये सारी चीज क्या लिखी हुई है क्या? मैं आपको दोबारा वही स्क्रीन दिखा रहा हूँ। क्या इसमें लिखा हुआ है कि आपके पिता को तकलीफ होगी, या आपके पिता का नाम लिखा हुआ है, या आपकी माता का नाम लिखा हुआ है, या आपके बिजनेस का नाम लिखा हुआ है, या आपकी हेल्थ का नाम लिखा हुआ है, या प्रॉफिट या लॉस लिखा हुआ है? इज इट विजिबल? कुछ ऐसा लिखा हुआ है क्या? जी नहीं कोई भी सर। ऐसी चीज, कोई भी ऐसी चीज, या कोई भी प्रिडिक्शंस जो आती हैं वो इस चार्ट में लिखी हुई नहीं होती है। पर लिखा तो है ना, पर अगर यहाँ पे दिखा रहा है कि मून आपने फोर्थ हाउस में दिखाया है, क्या कह रहे हो? अगर आप मून फोर्थ हाउस में दिखा रहे हो तो कहीं ना कहीं तो लिखा है ना कि माता की तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है मैम। मून नहीं फोर्थ हाउस में मींस इट डजंट मींस दैट माता की तबीयत खराब होगी। ओके ठीक है, मून फोर्थ हाउस डजंट मींस के माता की तबीयत खराब होगी। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी क्वेश्चन आता है आप नोट करके रखिए। मैं आपको पहले भी बताया, एक्चुअली मेरा सारा ब्रेन में चल रहा होता है, मैं कुछ आपको और बताना चाहूंगा, आपके जो पॉइंट्स हैं वो आप लिख लीजिए, मैं सबके क्वेश्चन सुनूंगा। बेसिकली क्या है कि बहुत सारे लोग वीडियोस देख के आते हैं, या कई सारे क्वेश्चंस देखते हैं, कई सारी चीजें देखते हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए थोड़ा सा रो उससे बिल्कुल मैं स्क्रैच से पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरी भी वीडियो देखी होगी तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको क्लियर होंगी, बट मैं जस्ट ये चाह रहा हूँ कि आप एक बार पहले ध्यान से सुने, एटलीस्ट आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास ध्यान से सुने। प्रश्न मैं आपके सबके लूंगा, आई टेक क्वेश्चंस लास्ट में ले लेंगे या बीच में ले लेंगे, जैसे भी कंफर्टेबल होंगे, थोड़ा सा पढ़ा लूंगा। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये चीजें लिखी तो नहीं होती बट फिर भी प्रेडिक्शंस आती हैं। सो जो चीज क्या है, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, हर प्लेनेट किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जिसको हिंदी में बोले तो हर प्लेनेट के कुछ ना कुछ कारक तत्व होते हैं, और जिन चीजों को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है उन्हीं के बेसिस पे हम प्रिडिक्शंस निकाल पाते हैं, और उन्हीं के बेसिस पे हम रेमेडीज कराते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, कि इन्हीं के बेसिस पे हम कोई भी प्रिडिक्शन करते हैं। जैसे चंद्रिका जी अभी बोल रही थी, चंद्रिका जी बोल रही थी शायद, मुझे ध्यान नहीं, वॉइस से मुझे लगा कि जो मून है वो कहीं ना कहीं माता को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट और भी तो बहुत सारी चीजें होंगी जिनको मून रिप्रेजेंट कर रहा होगा, है ना? तो वो चीजें क्या क्या होती हैं, उन चीजों को हम पढ़ेंगे, और नॉट ओनली पढ़ेंगे, मैं आज आप लोगों को याद करने का तरीका, पकड़ने का तरीका और समझने का तरीका बताऊंगा। आज आपको एक छोटी सी चीज और बताता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ, आप लोगों ने सुना भी होगा, ज्योतिष को कभी भी पढ़ो मत, ज्योतिष को जियो। जितने लोग ज्योतिष को जियेंगे वो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन पाएंगे। ज्योतिष को जीना जरूरी है, जीना इन द सेंस कि हर चीज में ज्योतिष ढूंढे आदमी, जब सीख रहा है ना तो उसके दिमाग में सिर्फ यही चलता रहे, समझ रहे हो? कभी मेरे टाइम में बचपन में ऐसा चलता था, पानी पी लिया तो मैं कहता था दादू ये तो चंद्रमा है, चंद्रमा चला गया मेरे अंदर, अब मेरा चंद्रमा मजबूत होगा या कमजोर होगा इससे, समझो तो सही। वहां तक तो ठीक था दादू के, मैंने कहा दादू चंद्रमा अंदर चला गया, बोला हाँ बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा दादू इससे चंद्रमा अच्छा होगा या बुरा होगा? रात को दूध पिया है ना, दूध पीने की रात को आदत होती है लोगों को मैक्सिमम, दूध पीने से चंद्रमा कमजोर होगा या अच्छा होगा रात को पीने से, दिन में पीने से? ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस रहते हैं, पहले किस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है वो देख लेते हैं। अब मैं बात करता हूं प्लैनेट्स की, आप नोट करना चाहो नोट भी करते रहना, या बेटर है कि ध्यान से सुन लो, इन सबके मैं नोट्स आपको दे दूंगा, अगर कुछ लगता है लिखवाने वाला जो नोट्स में नहीं होगा तो मैं दे दूंगा, या अदरवाइज आपको रिकॉर्डिंग मिली जाएगी। पहले तो हम जैसे ऑफलाइन क्लासेस करते थे ना, उसमें तो ये होता था कि मैंने एक बार बोल दिया तो बहुत अच्छा है,
और सभी से मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, चंद्रिका जी, मेजर जनरल प्रमोद शरण जी एंड श्लोक व्यास जी, कैमरा ऑन रखें। मैं कंफर्टेबल रहता हूं जब मुझे सामने वाले का लगता है कि वो कितना समझ रहा है कितना नहीं समझ रहा है। ठीक है, कोशिश कीजिए प्लीज, अगर किसी की ठीक है, कुछ घर में काम है, कोई मजबूरी है तो बात। अब हम बात करते हैं प्लैनेट्स की। सो प्लैनेट्स में सबसे पहला प्लैनेट कौन सा आता है? यूवीएस ट्रेडर्स बताओ, यूवीएस ट्रेडर्स सूरज के पास मर्करी आएगा। सबसे पहले प्लैनेट कौन सा आएगा? हाँ, सबसे पहले प्लैनेट आता है सूर्य। सबसे प्लैनेट आता है पहले सूर्य। सूर्य को ग्रहों का राजा भी कहा गया है। कुछ साइंसेस में सूर्य की जगह पे बृहस्पति को पहला प्लैनेट माना गया है, क्योंकि वो गुरु हैं तो उनको सबसे अच्छा स्थान, सबसे बड़ा स्थान दिया गया है। तो सबसे पहला प्लैनेट सूर्य। सूर्य के बारे में, सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है। सूर्य के बहुत सारे कारक तत्व हैं। इतने कारक तत्व हैं वैशाली जी कि आप अगर याद करने लग गए ना बुक लेके, तो मुझे तो लगता है कि एक जन्म में किसी को सारे याद हो सकते हैं। ठीक है, कोई बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन में लगा हुआ है तो सीरियसली नॉट पॉसिबल टू लर्न, बट एक पॉसिबिलिटी है कि हम समझ लें। ठीक है, जब चंद्रिका जी आप पढ़ाई करते होगे या संदीप जी जब आप पढ़ाई करते होगे, तो आपने 99 इतनी लंबी कैलकुलेशन करके नहीं देखी होगी, बट आपको एक मेथड सिखा दिया गया होगा जिससे कि आप उस कैलकुलेशन को जब भी जरूरत पड़े तो आप कर सको। जनरली लोग ना मेथड नहीं बताते हैं, मैं आपको मेथड ही समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपके दिमाग में रहे और आप हमेशा याद कर पाए, हमेशा याद रहे चीजें। ठीक है, थोड़ा सा जैसे हमने पिछली बार स्टार्ट किया था ना साइंटिफिक मेथड से, साइंटिफिक वे पे जाते हैं दोबारा, साइंटिफिक मेथड पढ़ते हैं। साइंटिफिकली बात करें तो सूर्य क्या है, सूर्य को समझो सबसे पहले। देखो, किसी भी प्लैनेट को, प्लैनेट कारक तत्वों को समझने के लिए ना उस प्लैनेट को समझना बहुत जरूरी है। सूर्य को समझो, सूर्य अगर नहीं होगा तो क्या पृथ्वी पे दिन और रात होगी? नहीं होगी, एक जैसा ही रहेगा। पृथ्वी पे एनर्जी होगी? नहीं होगी। अर्थ पे एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, सूर्य अगर नहीं होगा, संजीव राय जी आप पिछली बार थे क्लास में या इसी बार हो? नहीं सर, लास्ट क्लास मिस कर दिया था। लास्ट क्लास में नहीं थे? ठीक है, जो जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे ना, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अभी नहीं है, तो वो रिकॉर्डिंग्स थोड़ा ध्यान से देख लें। ठीक है, एक लास्ट रिकॉर्डिंग है पिछली बार की, वो रिकॉर्डिंग देख लेना, वैसे बेनिफिशियल है। बाकी मेन चीज मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं। तो सूर्य को समझो, अगर सूर्य नहीं होगा तो पृथ्वी पे दिन और रात नहीं होंगे, पृथ्वी पे एनर्जी नहीं होगी। सूर्य अगर नहीं होगा तो पृथ्वी पे हवाएं नहीं चलेंगी। सूर्य अगर नहीं होगा तो पृथ्वी पर पौधे, प्रकाश संश्लेषण जो प्लांट्स हैं, वो फोटोसिंथेसिस के फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, और हमारा खाना जो भोजन है वो नहीं बन पाएगा। सूर्य अगर नहीं होगा तो पृथ्वी पे हवाएं नहीं चलेंगी। सूर्य अगर नहीं होगा तो पृथ्वी पर मौसम वगैरह जो परिवर्तन है वो चेंज नहीं होगा। अगर सूर्य नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवन नहीं होगा। सूर्य मुख्य है, जस्ट समझने की कोशिश करना, सूर्य मुख्य है। अगर सूर्य होगा तो जीवन है। तेज से फैन बंद करियो, सारे मेरे कर्टेंस को हिला रहा है, मेरे को डिस्टर्बेंस होता है। सूर्य मुख्य, अगर सूर्य होगा तो जीवन होगा, सूर्य नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही मुख्य चीज जितनी भी हैं, अब हमें उन्हें समझना है, और आप ही लोग मुझे आंसर करोगे, मैं आप ही लोगों से पूछूंगा। ठीक है जी, रीटा जी पुराने टाइम में जाते हैं थोड़ा सा ना, जब राजा महाराजाओं का समय होता था, पूरे राज्य महाराजाओं का साम्राज्य होता था, तो उस समय मुख्य कौन होता था? राजा। हाँ, बट आपका नाम संदीप मनोचा है, रीटा नहीं है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, आप पे भी आऊंगा, आपके पास आऊंगा। रीटा जी कौन होता था उस टाइम? एक्चुअली मैं देखो, मेरी ना, मैंने इसीलिए आप लोगों को बार बार सबको कैमरा ऑन कर लें, क्योंकि ना आप में से सारे लोग ऐसे नए हैं जिनसे मैं बहुत ज्यादा फैमिलियर नहीं हूँ। मैं राणा साहब से तो हूँ, मेजर जनरल पेरिशरी से, बाकी लोगों से मैं बहुत ज्यादा फैमिलियर नहीं हूँ, चंद्रिका जी से भी हूँ मैं। तो मैं एक्चुअली आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि आप कितना समझ पा रहे हो। देखो मैं स्पीड भी बढ़ा लूंगा। आप लोगों ने देखा ना मनोजा जी, जब गाड़ी निकालते हो ना अपने घर के गैरेज से, तो बड़ा 10 की स्पीड पे निकाल रहे होते हो आप गाड़ी ना, फिर गली में थोड़ा सा 20 हो जाती है, हाईवे पे पहुंचते पहुंचते वो 80-100 आराम से चलती है। मैं एटलीस्ट आप लोगों को समझ लूंगा एक बार,
मेरे पढ़ाने का फायदा जब है जब आप लोग समझ रहे हो, नहीं तो फायदा ही नहीं है। फिर तो मैं रिकॉर्डिंग ही दे दूं, कैमरे ऑन करने के लिए इसे तो बोलता हूँ कि आप लोगों को समझ में नहीं तो रिकॉर्डिंग दे दूंगा। रिकॉर्डिंग मेरे पास सारी पड़ी हुई है, पिछली किसी क्लास की उठा के रिकॉर्डिंग के लिंक भेजे, बात खत्म हो जाएगी। वो नहीं चाहिए ना, पैशन है मेरा पढ़ाना, अच्छा लगता है मुझे पढ़ाना। ठीक है, तो रीटा जी उस टाइम पे मुख्य कौन होता था राजा महाराजाओं के टाइम पे? राजा राजा मुख्य होता था। राजा सूर्य है वो, समय मिल जाएगा नोट्स में मत लिखने लगो। राजा मुख्य होता था। अब उसके बाद आप आजकल के समय पे आइए, आज हमारे भारत देश में मुख्य कौन है मनोजा जी? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री भारत है तो प्रधानमंत्री, अदरवाइज प्रेसिडेंट। ये मेन तो प्रेसिडेंट है ना, प्रधानमंत्री भी फाइल तो वहीं भेजता है ना, बट भारत है तो हम प्रधानमंत्री बोल सकते हैं क्योंकि भारत में सारी पावर्स प्रधानमंत्री के पास ही होती है। वो तो जस्ट साइन करने ही होते हैं जब नीचे से अप्रूव होके आ जाए। ठीक है, यूवी स्टेटर्स हमारे स्टेट में हरियाणा में कौन मुख्य है? मुख्यमंत्री, सीएम, मुख्यमंत्री। ठीक है, तो मुख्यमंत्री भी राजा का स्वरूप है, या गवर्नर आपका राजा का स्वरूप है जो कि सूर्य का कारक है। सरकार गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मुख्य होती है, गवर्नमेंट आपको चला रही होती है, गवर्नमेंट मुख्य है, गवर्नमेंट सूर्य का प्रतीक है। ठीक है वैशाली जी, आपके परिवार में मुख्य कौन है? फादर, पिता। फादर, पिता, क्योंकि वो घर को चला रहे होते हैं, वो मुख्य होते हैं, सबको एकदम से लगता है मुख्य वही है। ठीक है, तो वो भी सूर्य का कारक है। चंद्रिका जी, हमारे बॉडी में मुख्य क्या होगा? बॉडी में मुख्य क्या होगा? हाँ, एयर, सोच के बताना है। देखो आप सभी, आप क्या कह रहे हो, क्या बोला आपने? एयर शुड बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट बिकॉज़ विदाउट दैट यू कांट सर्वाइव। हार्ट, कोई और बताना चाहेगा? हार्ट सर, हार्ट। देखिए हमारी बॉडी में कुछ चीजें जो मुख्य, फिजिकल पार्ट, हमारी बॉडी में सब कुछ मुख्य होता है, पर बॉडी में हमारी जो मुख्य चीजें आती हैं जो सूर्य को रिप्रेजेंट करती हैं, दैट इज ब्रेन, माना ये जाता है हमारी आत्मा, जिस तरीके से इन्होंने एयर बताया ना, हमारी आत्मा, हमारी आत्मा भी ब्रेन के पास, जहां हम तिलक लगाते हैं यहाँ पे वास करती है। ठीक है, तो ये हमारी आत्मा, हमारा ब्रेन, और हमारी बॉडी को गर्म रखने के लिए जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का, उस ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए भगवान ने एक बहुत अच्छा पंप लगाया हुआ है, वो सूर्य है, दैट इज हार्ट। बॉडी में सूर्य को एक चीज से और देखा जाता है, द कंप्लीट स्केलेटन सिस्टम, पूरा स्केलेटन सिस्टम जिस पे हमारे शरीर का ढांचा खड़ा हुआ है, जिस पे हमारा शरीर पूरे का पूरा खड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर। अब बॉडी के अलावा हम बात करते हैं खाने पीने के आइटम्स के। डोंट वरी, इधर उधर मत भागना, मैं अभी जो फ्री वर्कशॉप या मेरी वीडियोस देखे उससे एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा। खाने पीने की जो चीजें होती हैं, खाने पीने की चीजों में मुख्य क्या होता है बताइए, कोई बता सकता है? खाने पीने के जैसे मुख्य अनाज क्या होगा? चपाती, गेहूं, 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 चपाती, गेहूं, गेहूं की चपाती। ठीक है, वो हमारा सूर्य होगा, वो हमारा सूर्य कहलाए। ठीक है, देखिए ये जो स्टोरी मैं सुना रहा हूं ना, मैं ऐसी स्टोरीज के थ्रू आपको सिर्फ याद करवा रहा हूं, नहीं तो आप अगर साउथ इंडिया में जाओगे तो साउथ इंडिया में जाके यही जो चपाती है वो चपाती की जगह चावल मुख्य हो जाएगा। ठीक है ना, ये कहीं मिलेगी नहीं लिखी हुई, बस मैंने अपनी बना रखी है याद करवाने के लिए, जिससे कि लोगों को याद हो जाए। ठीक है, आपके यहाँ से किसके यहाँ से डिस्टरबेंस आ रहा है काफी? ठीक है, ठीक है जी। तो अगर चावल चावल हो गया तो फिर हाउ डज दैट कॉन्फ्लिक्ट और नो इट डजंट कॉन्फ्लिक्ट? मैम एक्चुअली वी हैव दिस, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, कि मैं सिर्फ आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। सूर्य गेहूं ही रहेगा, ये स्टोरी कहीं कहीं शास्त्रों में लिखी नहीं हुई है, ये सिर्फ याद करने के लिए, जिससे कि याद रहे चीजें। ठीक है, साउथ इंडिया में भी जाके अगर आप देखोगे ना, तो वो भी मुख्य काम करेगा चावल का, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे मुख्य। नेक्स्ट पार्ट जब नेक्स्ट प्लेनेट पे आएंगे ना, चंद्रमा पे, तो वो भी क्लैरिटी आएगी। अभी जैसे आप घर में बात करोगे तो कुछ लोग बोलेंगे जी हमारे घर में तो मुख्य आपने बोला पिताजी हैं, बट हमारे घर में तो पिताजी से ज्यादा तवज्जो दादाजी को दी जाती है, पिताजी भी फाइनल वहीं से फाइल अप्रूव कराते हैं कि भाई ये बता दो क्या है दादू से, तो वो भी समझाऊंगा। वो नेक्स्ट प्लेनेट से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, थोड़ा इनिशियल है ना, तो वो अभी वहां पे आए नहीं है। ठीक है जी,
अब नेक्स्ट चीज हम बात करते हैं खाने पीने की, और किसी आइटम में गेहूं हो गया, हमने आपको बताया गेहूं ही सूर्य। दूसरा, सूर्य से क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है जैसा कि मैंने बताया, गर्मी मिलती है, तो जो गर्मी देने वाली चीजें हैं जैसे ऊन, ये सारे ऊन, लकड़ी, सूखी हुई लकड़ी, लकड़ी के बहुत सारे स्वरूप बदलते हैं, गीली हो जाती है कुछ और हो जाती है, कच्ची होती है तो वो कुछ और हो जाती है, बट लकड़ी को इन जनरल मैं भी आपको इनिशियल स्टेज की बात करूं तो इट इज सूर्य। ठीक है, धातु के रूप में अगर मैं बात करूं तो धातु के रूप में इसको लिया जाता है, तांबे को सूर्य का प्रतीक माना गया है और गोल्ड को सूर्य का प्रतीक माना गया है। गोल्ड को जुपिटर भी माना गया, बट गोल्ड को सूर्य भी माना गया है। तो सूर्य के लिए गोल्ड और आपका क्या बोला मैंने, गोल्ड एंड तांबा, और जो इसका रत्न होता है वो होता है माणिक्य, रूबी। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं, राणा साहब आप हैं, आपकी आवाज भी नहीं सुनी है अभी तक। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं राणा साहब? ठीक है ना? बहुत बहुत बढ़िया। आर्मी वालों की आवाज से एकदम से बिल्कुल खुश हो जाता हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इतनी चीजें तो मैंने आपको कई बार वीडियोज में भी बताई गई है या कई बार आप लोगों ने मेरे मुंह से सुनी होगी। अब इस चीज में आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, मुख्य होता है सरकार। लोग बोलते हैं ना कि आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, वो सूर्य के थ्रू देखा जाता है। बंदा आके बोलता है कोई भी, जी पिता मेरे तो पिताजी की तबीयत खराब है, ठीक है, वो कहां से निकल के आती है चीज? वो सूर्य से निकल के आती है। समझो सिम्टम, आपके पास बंदा क्या बोल रहा है चंद्रिका जी कि मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं है, इट मींस कि आपके सूर्य में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। बंदा आके बोलता है आपको कि जी मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं रह रही है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, फ्रैक्चर हो रहे हैं बार बार, एक्सीडेंट हो रहे हैं, सीधे का सीधा बंदा जब आपके पास आके बोलना शुरू करेगा ना प्रॉब्लम से, उससे पहले पत्री खोलने से पहले ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब समझिए, मुझे बहुत बार लोग बताते हैं जी प्रॉब्लम ये है वो है, तो कहते हैं जी आपके पास ना सिद्धियां हैं, आपने तो पत्री भी नहीं बनाई, पहले ही बोल दिया। सिद्धियां कुछ नहीं है, इट इज कैलकुलेशन, इट इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। ठीक है ना, अब कितना कैलकुलेट कर पा रहे हो, कितना फास्ट कर पा रहे हो, कितनी चीजों को इंटरकनेक्ट कर पा रहे हो। जो भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, ज्योतिष को जीना है, अपनी पर्सनल लाइफ में देखना है कहां कहां चीजें क्या क्या हो रही हैं। बंदा बोलता है जी हेल्थ डिस्टर्ब ही रहती है, ठीक है जी हेल्थ डिस्टर्ब रहती है तो देखते हैं कैसे रहती है। वो सूर्य है। जॉब में दिक्कत आ जाना, नौकरी में दिक्कत आना, गवर्नमेंट जॉब चली जाना, सूर्य आप जहां पे, वैशाली जी आप में से कोई ऐसा है जो जॉब करता है? संदीप जी, संदीप मनोजा जी, नहीं सर। जहां आप जॉब करते थे, अरे सही ठीक है, अभी दो ही दिन तो हुए हैं, अभी इतनी जल्दी मना क्यों कर रहे हो, अभी दो ही दिन तो हैं रिटायर हुए। जहां आप जॉब करते थे वहां पे मुख्य कौन था? वहां पे जीएम था। जीएम था मींस इनका जो बॉस था, जो वो मुख्य था, तो वो नहीं, आप समझिए मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, सुनिए प्लीज, एक बार आपसे पूछा मैं आपको समझा रहा हूँ। जो मुख्य था, वो बॉस जो इनका था, वो सूर्य था। मींस आपका जो बॉस है वो सूर्य है, बट उसका भी तो कोई बॉस होगा ना। जैसे संदीप जी का बॉस, संदीप जी अपने बॉस के लिए शनि है और अपने जूनियर के लिए सूर्य है। संदीप जी खुद भी तो होंगे ना, इनके नीचे भी तो बहुत सारे लोग होंगे ना, तो जो नीचे वाले लोग होंगे उनके लिए संदीप जी क्या है? सूर्य भैया मेन है। संदीप जी चाहे तो मेरी रेटिंग खराब कर दे, संदीप जी चाहे तो मेरी रेटिंग अच्छी कर दे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए। और कुछ लोगों के लिए संदीप जी भी जूनियर होंगे, वो शनि का रूप है, तो वो मैं समझाऊंगा एक व्यक्ति के कितने स्वरूप हो सकते हैं, कितने स्वरूप होते हैं, बेसिकली हो सकते नहीं कितने होते हैं। ठीक है, वो सूर्य है। बंदा बोलता है आके आपको, जी मेरे बॉस से नहीं बन रही है, बॉस से नहीं बन रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ अभिजीत जी? भैया कहीं ना कहीं सूर्य में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है जी, इसका सबसे अच्छा एक उपाय भी बता देता हूं, इन जनरल कोई भी कर सके, आप सबको पता भी होगा, बस इसका थोड़ा सा तरीका मॉडिफाई करने की जरूरत है। तरीका ये होता है, सबसे बड़ा उपाय है इसका, कि भैया सूर्य देवता को प्रतिदिन जल दें। अब ये सबने सुना होगा जी, सूर्य देवता को जल दें, सुना होगा ना अभिजीत जी?
अनम्यूट करो, सुना है ना सूर्य देवता को जल दें, सबसे बात करता रहूं ना ठीक रहेगा। यस सर, सुना है। अब मैं आपको थोड़ा सा इस तरीका ऐड ऑन करके बताता हूँ। सूर्य को जल देने का तरीका क्या होता है, सूर्य को जल देने के लिए लोग ना जो घर में बर्तन होते हैं ना स्टील के, जनरली वही यूज कर लेते हैं। जो स्टील का बर्तन होता है दैट इज राहु, और राहु और सूर्य का क्या रिलेशन है वो आप लोगों को पता भी होगा और मैं आगे पढ़ाऊंगा भी। मीन्स अगर आप सूर्य देवता को जल दे रहे हैं तो आपको सूर्य देवता को जल देने के लिए या तो पीतल का लोटा यूज करना है या तांबे का लोटा यूज करना है। सेकंड चीज, उसमें एक चुटकी लाल रोली डालनी है। लाल रोली होती है ना जो कुमकुम जिसके सिंदूर लगाती हैं फीमेल्स, और एक चुटकी देसी खांड डालनी है। देसी खांड समझते हो, जो गन्ने से और उससे बनती है ना, गुड़ वाली जगह पे मिलती है, गुड़ जैसी होती है। ठीक है, गुड़ पता होगा, गुड़ बताऊं कहाँ कहाँ से लोग हैं मतलब आस पास से समझ जाएंगे सारे, इसमें तो कई बार गुड़ भी समझाना पड़ता है। आप लिख लो क्वेश्चन जो आपका, मैं आपका लेता हूँ अभी क्वेश्चन ना, पहले सूर्य तो पूरा पढ़ा लू। हांड के ऊपर लूंगा ना अभी, रुको तो सही, सारे लूंगा, किसी के भी ऊपर लूंगा, एक सेकंड लिख लो प्लीज। एक्चुअली मेरे को ना याद नहीं है कुछ भी सारा, इससे दो चीज बता रहा हूँ वो भूल जाऊंगा। ठीक है, अब वो देसी खांड डालनी है उसमें। अब इसमें भी एक चीज होती है जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पॉलिटिक्स में अपना भाग्य आजमा रहे होते हैं, या सूर्य की पोजिशन उनकी थोड़ी सी ठीक नहीं होती इन कंपेरिजन टू मार्स, वो आगे पढ़ेंगे हम, तो वहां हम यूज कराते हैं देसी खांड की जगह मिर्ची, लाल मिर्ची। जनरली देसी खांड के थ्रू कराओ, दैट विल बी गुड, वो सबके लिए अच्छा होता है। फिर दूसरा, सूर्य को पानी देने का टाइम कौन सा होता है जल देने का, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 11 बजे? नहीं संजीव जी, हाँ किसी भी टाइम देते हैं विनोद जी? राइस होने के बाद सूर्य को जल देने का टाइम होता है सूर्य उदय होने के 1 घंटे के अंदर अंदर, फर्स्ट होरा ऑफ एनी डे। ठीक है, ये एक जर्नल ऐसा उपाय है, ये आप किसी से भी करवाएंगे उसको फायदा मिलेगा, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में मिलेगा, इट इज ओके, बट मिलेगा डेफिनेटली, करवाना चाहिए, हर कोई दे सकता है, कोई आम नहीं है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? चंद्रिका जी आपका क्वेश्चन आ रहा था, प्लीज बोलिए, और किसी का हो तो हैंड रेज कर लेना सिस्टम में। जस्ट वन थिंग, वन क्लैरिफिकेशन गौरव, सो खांड इज आल्सो वाइट ना, जो बूरा का, पर आप तो गुड़ की खांड बोल रहे हैं, तो वो जो शक्कर की तरह होती है ब्राउन, वो वाली की बात? बस उसी की बात कर रहा हूँ। बेसिकली क्या होता है उसमें, देखो मीठा तो आपकी चीनी भी होती है, लोग चीनी भी डाल के देते हैं, लोग फूल लीला भी डाल देते हैं, जो चीनी होती है उसमें केमिकल मिला होता है, एंड केमिकल इज शनि। तो हम कोशिश करते हैं जो प्योरेस्ट जितनी मिल सकती है, थोड़ा बहुत केमिकल तो हो सकता है शायद उसमें भी हो, बट जो प्योरेस्ट होती है विदाउट केमिकल वाली, वो वही होती है देसी खांड, तो हम उसी को डालने की कोशिश करते हैं। So all I'm asking is, one is the white one, खांड, और एक होती है शक्कर जो भूरे रंग की होती है, जैसे गांव में मिलती है आप किसकी बात कर रहे हैं, शक्कर की बात, ब्राउन वाले की बात कर रहे हैं कि आपने बोला? मैं शक्कर की बात कर रहा हूँ जो गुड़ से बनती है, ब्राउन वन। एंड माय सेकंड क्वेश्चन, जब भी आप लेंगे बाद में, व्हाई डज माने, भाई बाकी लोग एक बार, एक सेकंड, बाकी लोग म्यूट रखेंगे, काफी डिस्टर्बेंस आ रहा है, आप ही लोगों को प्रॉब्लम होगी दोस्त, आप लोगों ने सबने ये वीडियो सुननी है बाद में रिकॉर्डिंग। श्लोक व्यास जी आप म्यूट रखा करें, जब पूछता हूँ जब आपका अनम्यूट होता है। जी बताइए प्लीज, अभी ठीक है। I just wanted to know what is the reason for manik as a representation of the sun. So whenever you end the class, if you could tell before that. Yeah, देखिए manik तो मैं भी बता देता हूँ, जितने भी आपके जेम स्टोन्स होते हैं ना, इनका कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीजन होता है। तो manik को जो पौराणिक उसमें बताया गया है, जितने भी जेम्स मिलते थे, जो पुराने जेम्स मिलते थे जिन चीज लोगों को, जिनका बताया गया था, तो मानिक को थोड़ा तेज और ऊर्जावान रत्न माना गया था, इसलिए मानिक को सूर्य के इसमें दर्जा दिया गया है। सूर्य का जो कलर होता है, सूर्य का कलर पौराणिक उस पे, पौराणिक ज्योतिष के हिसाब से गुलाबी माना गया है, ऑरेंज टाइप का माना गया है। तो जो एक्चुअल रूबी आता था
उसका कलर उसमें ये ऑरेंज टाइप की शेड्स होती थी, इसीलिए उसका हमने रूबी रत्न माना गया है। बेसिकली चीज क्या होती है जेम स्टोन्स के अंदर, आप जैसे बात करें नीलम की ही बात कर लें, मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा जस्ट जो रूबी होता है वो बेस्ट कहाँ का होता है, बर्मा वगैरह के तो ये सारे ऐसे ही होते हैं। एक जैसे मेरे को मैं एक एग्जांपल देके आपको शनि के उससे समझाता हूँ, बता दूंगा रूबी बेस्ट कहाँ का होता है। जेमोलॉजी का जो कोर्स होता है पूरा उसमें पढ़ाया भी जाता है डिटेल में, इसको पता भी होगा यूवीएस ट्रेडर्स को। जो बेसिकली जैसे नीलम होता है, नीलम जो बेस्ट नीलम होता है ना, जो आपने सुना होगा कि नीलम आता है तो एकदम राजा बना देता है, एकदम रंक बना देता है, नीलम को रखते ही एकदम बुरे बुरे सपने आने लग जाते हैं या अच्छे आने लग जाते हैं, वो बेस्ट नीलम माना जाता था जम्मू का नीलम, कश्मीरी नीलम हमारे इंडिया का, वो बहुत अच्छा नीलम होता था। बट अनफॉर्चुनेटली वो नीलम अब खत्म हो चुका है काफी साल पहले, अब सारा सिलोन का नीलम चलता है जो श्रीलंका का नीलम है, ठीक है ना। यूवीएस ट्रेडर्स सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? तेरा नाम क्या, अंकित नाम है ना तेरा, इसको चेंज कर लिया कर यार, मैं मेरे को यही दिखेगा मैं यही बोलूंगा। तो बेसिकली अगर हम बात करूं श्रीलंकन नीलम की, नीलम तो वो भी है बट वो वाली चीज नहीं है जहां से ये डिसाइड हुई है कि भाई